हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल में। दिस साइड योर मेंटोर पुष्पेंद्र सर फॉर सीयूटी जनरल टेस्ट एज वेल एज फॉर हिस्ट्री डोमेन। चलिए आज हम करेंगे हमारा मिडिवल हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे कुछ कॉलोनियल फोर्सेस को जो इंडिया में आई, लाइक पोर्चुगीज, फ्रेंच, डेन्स एंड इंग्लिश। और उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे कैरनेटिक वॉर्स पर, ताकि आपका कैरनेटिक वॉर्स काफी अच्छे से रिविजन हो सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोर्चुगीज इन इंडिया। पोर्चुगीज इन इंडिया, तो पोर्चुगीज जो बेटा है कहाँ के रहने वाले थे? वो सभी यूरोप के रहने वाले थे। तो अब यूरोप से इंडिया तक आने के लिए एक रूट चाहिए होता है, और वो काम किसने किया? वो किया था वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने अफ्रीका के नीचे से होते हुए केप रूट को उन्होंने लिया, और 1498 में वो भारत पहुंचता है। भारत में वह कैलिकट पे पहुंचता है, कौन से तारीख को? 17 मई 1498 को। और फिर वहां पर धीरे धीरे पोर्चुगीज अपने ट्रेड स्टेशंस को बनाते हैं। कहाँ कहाँ? कैलिकट, कोचीन और कैनोर। कैलिकट, कोचीन और कैनोर, ये आपको बेटा याद रखना है कि पोर्चुगीज ने कहाँ बनाया था। कैलिकट, कोचीन और कैनोर, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अब कोचीन वॉज द अर्ली कैपिटल, बेटा पहले इनकी कैपिटल क्या थी? कोचीन। लेटर ऑन इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट करके क्या कर लिया था? गोवा को, ये आपको याद रखना है। और पोर्चुगीज का जो पहला गवर्नर भारत में बनता है उसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के बारे में आपको ये याद रखना है कि अल्मीडा ही था जिसने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर को अपनाया था। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर को अपनाया था। देन आता है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, और उसने क्या पॉलिसी अपनाई थी? द पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म। ठीक है, लेटर ऑन उसने गोवा को कैप्चर किया 1510 में। अब यहाँ क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं बेटा? आपसे क्वेश्चंस पूछेगा भी, तो ये पूछेगा कि ब्लू वाटर की पॉलिसी किसने लाया, तो आप आंसर देंगे अल्मीडा। अल्मीडा पहला गवर्नर था पोर्चुगीज। और पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म कौन लाया? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, ठीक है। देन आता है नीनो द कूना 1529 से 38, जिसने कैपिटल अपनी बना ली थी उस समय 1530, और इसने ड्यू एंड बेसिन जैसे इलाकों को भी अपने अंदर कर लिया था 1534 के आसपास तक। और मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा एंड जीसस सेंट फ्रांसिस्को फ्रेंको, ये दोनों भारत में आए थे एक साथ 1542-1545 के आसपास, ये आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें थी किससे रिलेटेड? पोर्चुगीज से रिलेटेड। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसमें तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडा था। कौन था बच्चों? अल्मीडा। अल्मीडा के बारे में ये पता होना जरूरी है किसने ब्लू वाटर की पॉलिसी लाई थी, ठीक है। और इन्होंने अपने जो ये कहते हैं कि अल्बुकर्क, उसके बाद कौन आया था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। कौन सी पॉलिसी? पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म, ठीक है बच्चों। आई होप ये समझ आया होगा आपको। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू डच इन इंडिया। फॉर्मेशन ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फॉर्मड इन 1602। 1602 के आसपास इन्होंने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म करी, और ग्रांटेड पावर्स फॉर वॉर्स, ट्रीटीज एंड टेरिटरीज एंड फोर्ट्रेसेस इन इंडिया। इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज एट डिफरेंट वेरियस प्लेसेज, और कई जगह पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज भी लगाई, और रिप्लेसिंग पोर्चुगीज डोमिनेंस। लेटर ऑन ये इंपॉर्टेंट है कि बैटल ऑफ बेदारा बेटा कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? डच और इंग्लिश के बीच हुआ था, और कब हुआ था बच्चों? 1759, बैटल ऑफ बेदारा। ये बैटल हुआ था बच्चों डच के बीच में एंड इंग्लैंड के बीच में। किसके बीच में? इन दोनों के बीच में बचा हुआ था। और इम्पोर्टेंट जो इसका रिजल्ट निकला गया है कि इंग्लैंड ने डच की टेरिटरीज को अपने अंदर रख लिया था, ठीक है। और डच टेरिटरी सारी किसको मिल गई? इंग्लैंड को। यहां से क्लियर होता है कि हाँ, बैटल ऑफ बिदारा ने क्लियर कर दिया कि इंग्लिश और डच में कौन यहाँ रूल करेगा? इंग्लैंड रूल करने वाला है। चलिए अब इंग्लिश इन इंडिया आते हैं। जॉन मिल्टन हॉल अराइव्ड इन इंडिया इन 1599 बाय ओवरलैंड रूट। लैंड रूट ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में फॉर्म करा गया था, ठीक है। और कैप्टन विलियम हॉकिंस था जो जहांगीर के कोर्ट में गया था 1609 में, क्या करने बेटा? टू सॉर्ट द परमिशन टू डू ट्रेड, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। देन सर थॉमस रो आते हैं। सर थॉमस रो क्या करते हैं बच्चों? सर थॉमस रो परमिशन ऑप्टेन कर लेते हैं 1615 के आसपास। 1615 के आसपास किससे ऑप्टेन करते हैं? जहांगीर से ही ऑप्टेन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंड लेट आफ्टर दिस क्या करते हैं बेटा? वो ट्रेड करते हैं और एक्वायर करते हैं बॉम्बे को 1669 में। जॉब चारनॉक ने सूता
नाती में, कहाँ पे बेटा, सूता नाती में 1619 में अपनी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी, और लेटर ऑन उसी सूता नाती को बेटा फोर्टिफाई करा और उसका नाम पड़ गया फोर्ट विलियम बाय 1700। और कलकत्ता ग्रू फ्रॉम सूता नाती से ही, कलकत्ता बड़ा जैसा शहर वहां से डेवलप होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था 1694 में, जो इक्वल ट्रेड राइट्स देता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन आते हैं फ्रेंच। फ्रेंच बेटा किसने फॉर्म किया था? कॉलबर्ट है। किसने फॉर्म किया था? कॉलबर्ट ने, अंडर स्टेट के अंदर और स्टेट पेट्रोनेज, और 1664 में, ठीक है, ये याद रखना है। अब फ्रेंच और ब्रिटेन में बेटा यही अंतर था कि जो ब्रिटेन थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन जो फ्रेंच आए थे वो ऐसा कोई मतलब इस तरह नहीं आए थे कि यार उनमें मेन मेन चीज ये था कि उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है, फ्रेंच गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके पास ज्यादा पावर्स थे, वो तेजी से डिसीजन ले सकते थे, डिसीजन मेकिंग कर सकते थे, लेकिन फ्रेंच को कहीं ना कहीं हार्म था, वो करप्शन भी बहुत ज्यादा उस समय रहने लगा था गवर्नमेंट के अंदर, तो उसी के कारण कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा मिला था। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पे स्टेब्लिश होती है बेटा? सूरत में इस्टेब्लिश होती है। कहाँ पे बेटा? सूरत में इस्टेब्लिश होती है। फ्रेंकोइस कैरोन करता है। कौन करता है? फ्रेंकोइस कैरोन इन 1668 में, ठीक है। और इसकी फैक्ट्री कहाँ पे है? उसके बाद बनाया जाता है मसूली पट्टनम में 1669 में। फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम एस्टेब्लिश्ड इन 1669। देन आता है राइवल ऑफ फ्रेंच पावर। फ्रेंच पावर लियोनोर एंड डुमास दो थे बेटा जिन्होंने फ्रेंच पावर को रिवाइव किया था 1720 से 1740 के आसपास, बिटवीन 1720 से 1742 के आसपास, जैसे माही, यनम, कराईकाल, पोडिचेरी जैसे एरिया फ्रेंच कॉलोनीज थी, ये आपको याद रखना है। एंग्लो फ्रेंच वॉर के बारे में बेटा आप कैरनेटिक वॉर्स पढ़ेंगे मेरे से, लेकिन वो एमसीक्यूज के थ्रू मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और आपको एक चीज ये पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश कब हुआ था बेटा? 1760 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच हुआ था, ठीक है। थर्ड कैरनेटिक वॉर, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर था ये, जिसमें फ्रेंच की बुरी तरह हार होती है और ब्रिटिश जीत जाता है। इसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि कौन रूल करने वाला है इंडिया पे, इंग्लैंड रूल करने वाला है। तो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश वॉर वॉर थी जिसके कारण ये सारी चीजें क्लियर हो सके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एमसीक्यूज अपने कंप्लीट करेंगे। व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1664 में फॉर्म हुई थी, ठीक है बच्चों। देन आता है वेयर वॉज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री स्टेब्लिश्ड इन इंडिया? पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश हुई थी? सूरत में। ये बिल्कुल आपको याद रखना फैक्चुअल डाटा। ड्यूरिंग विच ईयर्स डिड लेनोर एंड ड्यूमास रिवाइव फ्रेंच पावर? तो ये मैंने आपको अभी बताया 1720 से 1742 के आसपास, 1720 से 1742 के आसपास। हु वॉज द फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया वेन द एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट बिगेन इन 1742? तो उस समय कौन था गवर्नर? उस समय गवर्नर था डुप्लेक्स। कौन था गवर्नर बच्चों? डुप्लेक्स। विच वॉर एंडेड द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल इन 1748 में? तो 1748 में कौन सी ऐसी ट्रीटी हुई थी, अच्छा कौन सा वॉर एंड हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल जो हुआ था बेटा वो हुआ था फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर से लेने जाए, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग विच वॉर डिड रॉबर्ट क्लाइव एमर्ज विक्टोरियस अगेंस्ट डुप्लेक्स? तो डुप्लेक्स के खिलाफ वो सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर में हुआ था, ठीक है। हु वॉज द फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया वेन द एंग्लो फ्रेंच वॉर बिगेन? तो डुप्लेक्स ही आंसर है इसका। विच वॉर एंडेड द, कौन सा वॉर, ये रिपीट हो गया, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। ड्यूरिंग विच वॉर डिड रॉबर्ट क्लाइव एमर्ज विक्टोरियस अगेंस्ट डुप्लेक्स? तो रॉबर्ट क्लाइव डुप्लेक्स, हाँ, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, ये आपको पता होना चाहिए। वट वॉज द डिसाइसिव डिफीट फॉर द फ्रेंच ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर? वट वॉज द डिसाइसिव डिफीट? तो थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश 1760, ये आपको याद रखना। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में हुआ था बच्चों। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और इसी तरह तीन बैटल हुए थे, पहला बैटल हुआ था पानीपत का, बैटल कब हुआ था? 1526, 1556,
और तीसरा था 1561 में, जो कि तीनों मैंने बेटा मिडिवल हिस्ट्री में पूरा अच्छे से कवर करा दिया है। चलिए, विच ट्रीटी एंडेड द थर्ड एंड द फाइनल एंग्लो फ्रेंच वॉर इन इंडिया, कौन सा ट्रीटी था? ट्रीटी ऑफ पेरिस। कौन सा ट्रीटी बच्चों? ट्रीटी ऑफ पेरिस। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जिसकी कौन सी पॉलिसी थी? ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर की पॉलिसी। वास्को डी गामा इंडिया कौन से साल में आया था? 1498 में। अल्बुकर्क ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म। ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। बैटल लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ डच इन इंडिया, तो ऐसा कौन सा बैटल था जिसके कारण डच का डिक्लाइन हुआ? तो कौन सा बैटल था? बैटल ऑफ बिदारा। कौन सा बैटल था बच्चों? बैटल ऑफ बिदारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडर कौन था? तो पहला डुप्लेक्स, डुप्लेक्स आप कह सकते हैं, ठीक है, फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं डुप्लेक्स ही होना चाहिए, डुप्लेक्स या फिर कॉलबर्ट। फाउंडर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं कॉलबर्ट था बच्चों, ये आपको याद रखना, डुप्लेक्स नहीं था, क्या था? कौन था? कॉलबर्ट। फ्रेंच पोजीशन इन तमिलनाडु ड्यूरिंग द 1739 के आसपास कौन कौन से टेरिटरीज उसके अंदर थे? पौंडीचेरी तो था ही, माही, यनम और कराईकाल, चारों बेटा मैंने आपको पढ़ाया कि ये चारों फ्रेंच पोजिशन थे और उसी के अंडर ही थे, तो आप ये कह सकते हैं इसमें ऑप्शन सारे ही ऑप्शन हैं। ईयर ऑफ ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, एक्सला चैपल कौन से साल में हुआ था? 1763 में हुआ था, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश के बाद। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, तो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल कब हुआ था? 1748 में हुआ था बच्चों, ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक्सला चैपल की ट्रीटी 1748 में थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था, ठीक है, उस समय। और इस समय कौन सा हुआ था? एक्सला चैपल 1748 में। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द कर्नाटिक वॉर इन्वॉल्व, तो यहाँ पर नवाब ऑफ कर्नाटिक तो इन्वॉल्व थे, मराठास भी इन्वॉल्व थे और मुगल्स भी इन्वॉल्व थे, तो तीनों ही ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंच लीडर ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर के पास कौन था फ्रेंच रूलर? तो काउंट दी लैली। काउंट दी लैली किसके साइड से थे? फ्रेंच की साइड से, और दूसरी साइड तो ब्रिटेन था, उसको कौन नेतृत्व कर रहा था? आयरकूट। ये आपको याद रखना है कि आयरकूट वॉज द पर्सन लीडिंग ब्रिटिश इन द थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर 1758 से 1763। ट्रीटी एंडिंग द थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, तो ट्रीटी कौन सी थी? वो ट्रीटी ऑफ पेरिस थी, 1763 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। देन लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का है, फ्रेंच गवर्नर इनिशिएटिंग द एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, तो कौन था ये? डुप्लेक्स था, डुप्लेक्स। एंड ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आपको आई होप ये सारे एमसीक्यूज आपको क्लियर हुए होंगे जो कि कर्नाटिक वॉर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज थे। एंड अगर आपको हमारे बैच को ज्वाइन करना है बच्चों, जो सीयूटी की तैयारी करा रहे हैं, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज कीप इट शेयरिंग, प्लीज कीप शेयरिंग अवर लेक्चर्स एंड ऑल्सो लाइक द लेक्चर्स। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन जस्ट पुट अ मैसेज इन कमेंट बॉक्स एज वेल। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।